हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट्स के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। पार्लियामेंट्स के मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, क्या पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, और अगर क्या हमारे पास हो तो भी हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, डिसक्वालिफिकेशंस क्या है, क्या नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए। ओके, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, जो क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से दो आर्टिकल्स डील करते हैं, आर्टिकल 84 और आर्टिकल 102। आर्टिकल 84 क्या कहता है? आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वालिफिकेशन बताता है क्या होना चाहिए मेंबर बनने के लिए पार्लियामेंट के। फर्स्ट, वो एक सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए अगर उसने पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, एदर ऑफ हाउस, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ स्टेट। या तो राज्यसभा का उसने मेंबर बनना है, या तो लोकसभा का उसने मेंबर बनना है, तो वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए और उसको इंडिया की सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। सो सेकंड आता है एज लिमिट। कुछ एज लिमिट भी बाय द पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब की गई है फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए। सो वो एज लिमिट क्या है? पहली एज लिमिट है राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए या काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर बनने के लिए 30 साल से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। ओके, सो अगर उसने लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25 साल से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए, तब वो हाउस ऑफ पीपल लोकसभा का मेंबर बन सकता है। आगे आता है आर्टिकल 104, आर्टिकल 102। इसमें क्या है? इसमें डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट बताया गया है, जो चीज़ें हमें नहीं होनी चाहिए अगर हमने पार्लियामेंट का मेंबर बनना है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? फर्स्ट, इफ़ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, और जो भी पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, जो भी पार्लियामेंट को लगता है कि इस ऑफिस में होल्ड करना प्रॉफिट ठीक है तो ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बाहर जाकर अगर वो कोई भी ऑफिस या कोई भी काम कर रहा है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस हैंडल कर रहा है तो ठीक है, अगर वो कोई और काम कर रहा है और उससे प्रॉफिट जो हासिल कर रहा है तब वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, वो एक डिसक्वालिफिकेशन है मेंबर बनने के लिए पार्लियामेंट की। सेकंड, इफ़ ही इज़ नॉट ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, और वो सिटीज़न ना हो इंडिया का तब भी वो डिसक्वालिफाइड हो सकता है पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए। ओके, उसके पास अगर भारतीय नागरिकता नहीं है तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। इफ़ ही इज़ ऑफ सम साउंड माइंड, अगर वो पागल पर्सन है, वो उसका जो मेंटल स्टेट है वो सही नहीं रहती, तब भी वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, वो डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, सो फोर्थ है, इफ़ ही इज़ डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ मेड बाय प्रिस्क्राइब, कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ बना हुआ है जिसके द्वारा उसको डिसक्वालिफाइड किया गया है, जिसके द्वारा उसको दूर किया गया है कि वो पर्सन ये काम नहीं कर सकता। ओके, पार्लियामेंट द्वारा कहा गया है कि ये पर्सन ये काम नहीं कर सकता इस लॉ में, तो वो भी जो है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। लाइक फॉर एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्ट का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, कोई मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर कोर्ट ने कह दिया, अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है और कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता आगे से किसी के साथ, तब भी वो जो होगा वो पार्लियामेंट द्वारा लॉ बनाया गया है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें डिसक्वालिफाइड हो जाएगा और वो पर्सन क्या है, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। फिफ्थ क्या है? इफ़ इज इज़ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मीन्स होता है जो अभी उसने पैसा नहीं चुकाया, इंसॉल्वेंट मीन्स होता है दिवालिया निकल जाना, अगर कोई पर्सन जो है उसका दिवालिया निकल गया है, ओके, और वो भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। सो गाइस, आगे है आर्टिकल 103 में क्या कहा गया है? 103 में प्रेसिडेंट की जो पावर का
डिस्कस किया गया है, प्रेसिडेंट की पावर के बारे में बताया गया है। इसमें क्या है, अगर कोई इफ़ एनी क्वेश्चन राइजिस एज अ वेदर ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन क्लोज वन ऑफ आर्टिकल 102, द क्वेश्चन शैल बी रेफर टू द डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है और वो आर्टिकल 102 में मेंशन की गई डिस्क्वालिफिकेशन में आ रहा है, तो जो है जैसे कि इन पांचों में से कहीं पे भी डिस्क्वालिफाइड कर रहा है अगर वो पर्सन, तो उसको जो है उसको प्रेसिडेंट के डिसीज़न पर छोड़ा जाएगा, उसको प्रेसिडेंट के डिसीज़न के पास भेजा जाएगा, उसके रेफरेंस को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। क्या वो पार्लियामेंट का मेंबर रहेगा या नहीं रहेगा वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, और प्रेसिडेंट का जो डिसीज़न होगा वो फाइनल होगा अंडर आर्टिकल 103 में बताया गया है। अगर कोई पर्सन जो है मेंबर है जो पार्लियामेंट का वो डिस्क्वालिफाइड कर जाता है, तो उसको प्रेसिडेंट के पास रेफ़र किया जाता है कि प्रेसिडेंट डिसीज़न दे कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया वो बन सकता है तो वो बनेगा, अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि नहीं बन सकता तो वो नहीं बन सकता, और प्रेसिडेंट का जो सीजन है वो फाइनल होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।